मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले अगर लास्ट में आपको इस मूवी की कहानी जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हमें एक ब्लैक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपना रास्ता भूल गया था। तभी उसे ऐसा लगता है कि एक कार उसका लगातार पीछा कर रही है, इसीलिए वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो उसे कार में रख कर कहीं लेकर चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम क्रिस वॉशिंगटन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास थोड़ी देर में उसकी गर्लफ्रेंड रोज पहुंचती है। रोज चाहती है कि क्रिस उसके पेरेंट्स से मिले लेकिन क्रिस इसके लिए मना कर देता है क्योंकि क्रिस को लगता है कि रोज के पेरेंट्स को उसके ब्लैक होने से शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रोज के समझाने के बाद क्रिस रोज के पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों जाने लगते हैं। तभी रास्ते में क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है और उसे अपने डॉग का ख्याल रखने को बोलता है। तभी अचानक से गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। लेकिन इस सब के बीच वो जो हिरन होता है उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में एक पुलिस ऑफिसर आता है और क्रिस से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगता है, जबकि जो कार होती है वो तो रोज चला रही होती है। क्रिस के साथ ये सब उसके ब्लैक होने की वजह से वो पुलिस ऑफिसर कर रहा होता है। फिर दोनों रोज के घर पहुंचते हैं जहां रोज के पेरेंट्स क्रिस का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। रोज के फादर डीन जो कि एक न्यूरोसर्जन होते हैं वो क्रिस को अपना पूरा घर दिखाते हैं जहां हमें मालूम पड़ता है कि रोज के भाई का नाम जेरेमी है और वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। वो भी अपने पिता की तरह न्यूरोसर्जन बनना चाहता है और रोज की मॉम मिसी एक हाइपोथेरेपिस्ट है। इसके बाद क्रिस और डीन में काफी देर तक बातचीत होती है। फिर मिसी क्रिस से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है जिसके जवाब में क्रिस कहता है कि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस बातचीत के दौरान तभी डीन क्रिस की स्मोकिंग की हैबिट को भी नोटिस कर लेती हैं और उसे पूछते भी हैं, जिस पे क्रिस कहता है कि मैं जल्द ही स्मोकिंग को क्विट करने वाला हूं। तभी डीन कहते हैं कि मेरी वाइफ मिसी इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती है, वो स्मोकिंग छुड़ाने में तुम्हें हिप्नोटाइज करके हमेशा के लिए इससे छुटकारा तुम्हें दिलवा सकती है, लेकिन इसके लिए क्रिस मना कर देता है। इसके बाद डीन बताता है कि इसी वीकेंड हमारे घर पर एक पार्टी होने वाली है जिसमें हमारे सभी दोस्त रिश्तेदार आने वाले हैं। तभी वहाँ रोज का भाई जेरेमी आ जाता है। जेरेमी का क्रिस के साथ बिहेवियर कुछ खास अच्छा नहीं होता है। खैर रात में तभी क्रिस स्मोकिंग के लिए घर से बाहर निकलता है तो क्रिस देखता है कि घर में जो वॉचमैन है वॉल्टर वो बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन क्रिस यहाँ पर बच जाता है। फिर क्रिस की नजर घर की हाउसकीपर जॉर्गिना पर पड़ती है जो कि उसे अजीब तरह से देख रही होती है। ये सब देखकर तभी क्रिस घर के अंदर जाने लगता है और वहीं पर तभी मिसी आ जाती है और वो अपनी हाउसकीपर को समझाती है कि एक्चुअली मैं क्रिस बाहर स्मोकिंग करने के लिए गया था। मिसी क्रिस को बुलाती है और उसे हिप्नोटाइज करके उसके मॉम के मरने का कारण पूछती है, जिससे कि क्रिस बताता है मुझे दरअसल कुछ भी नहीं याद है क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 11 साल का था और मॉम के नहीं आने पर मैं टीवी ही देखता रह गया। जिससे मिसी कहती है कि तुम्हारी मॉम के मरने का कारण तुम ही हो क्योंकि अगर तुम उस वक्त एक सही डिसीजन लेते और किसी को कॉल करके बुला लेते तो शायद तुम्हारी मॉम की जान बच सकती थी। तभी क्रिस अचानक से अंधेरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था और असली दुनिया उसे सिर्फ एक खिड़की की तरह दिखाई दे रही थी। तभी क्रिस की अचानक से नींद टूट जाती है और वो अपने आप को बेड पर पाता है। इसके बाद क्रिस ये भी देखता है कि किसी ने उसके मोबाइल को चार्जर से हटा दिया था। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस फोटोग्राफी कर रहा होता है तो उसे वॉल्टर दिखता है और वॉल्टर क्रिस से रात में हुए घटना के बारे में पूछता है और क्रिस को यहाँ से रियलाइज होने लगता है कि रात में उसने जो कुछ भी देखा वो वाकई हकीकत था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डीन के घर में पार्टी स्टार्ट हो गई होती है। रोज क्रिस को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। अब क्योंकि क्रिस ब्लैक होता है इसीलिए सभी लोगों से बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। तभी पार्टी में क्रिस को वही आदमी दिखता है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसको कुछ लोग कार में बेहोश करके उठा ले गए थे। क्रिस को ऐसा फील होता है कि उसने आदमी को कहीं तो देखा है। वो आदमी क्रिस को अपना नाम लोगन बताता है। खैर पार्टी में क्रिस की मुलाकात बहुत से लोगों से होती है और वो फिर से रूम में आता है तो देखता है कि किसी ने फिर से उसके मोबाइल को चार्जर से निकाल दिया होता है। फिर क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर एक्चुअली में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये बात सुनकर तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि हो सकता है कि मिसी सभी ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज करके अपने काम के लिए इस्तेमाल करती होगी।
ये सुनकर तभी क्रिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहाँ पर जॉर्गिना आ जाती है और उसे मोबाइल को वहाँ से उसके चार्जर से हटाने के लिए माफी मांगती है। और क्रिस बोलते है कि मैं बस कभी कभी गोरे लोगों के बीच में अकेला फील करने लगता हूँ। लेकिन जॉर्गिना कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ काफी समय से रह रही हूँ और मुझे यहाँ पर किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्रिस बाहर आता है और पार्टी में एक आदमी क्रिस से पूछता है कि अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक होने का क्या फायदा है या क्या नुकसान है, जिस पर क्रिस लोगों से उनके जवाब देने को कहता है। लोगन जवाब देने लगता है तभी क्रिस मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है, लेकिन मोबाइल का फ्लैश ऑन हो जाता है और अचानक से लोगन के नाक से खून आने लगता है और लोगन क्रिस को वहां से चले जाने को बोलता है और कहता है कि अगर तुम यहां से नहीं गए तो बहुत बुरी तरह से मारे जाओगे। क्रिस ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन सब लोग क्रिस को ये यकीन दिला देते हैं कि एक्चुअली में लोगन को दौरा पड़ने की वजह से उसने ऐसा कहा है। थोड़ी देर के बाद अभी लोगन आकर क्रिस से माफी मांगता है और क्रिस भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद क्रिस को परेशान देखकर कि रोज उसे वहां से बाहर लेकर आती है। क्रिस रोज को बताता है कि उसकी मॉम मिसी सबको हिप्नोटाइज करती है और लोगन को भी मिसी ने हिप्नोटाइज किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे भी हिप्नोटाइज किया था, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसीलिए क्रिस कहता है कि मैं अब यहां से जा रहा हूं और अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। अब दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो कि क्रिस की बोली लगा रहा होता है और क्रिस को जिम नाम का एक आदमी खरीद भी लेता है। इससे यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि रोज की फैमिली ब्लैक लोगों को बेचने का काम करती होती है। वहीं अब दूसरी तरफ बातों ही बातों में क्रिस रोज को अपनी मॉम के बारे में बताता है। इसीलिए क्रिस कहता है कि अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। और इसके बाद ये लोग जब घर पहुँचते हैं तब क्रिस देखता है कि सभी लोग जा चुके होते हैं और वहाँ पर बस डीन, मिसी और जेरेमी होते हैं, जो कि क्रिस को बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं। अब आगे क्रिस तभी लोगन का फोटो अपने दोस्त रॉड को भेजता है और फोटो देखकर रॉड तुरंत क्रिस को कॉल करता है और बताता है कि ये लोगन नहीं बल्कि ये हमारा क्लासमेट वेरोनिका का बॉयफ्रेंड एंड्रयू है। लेकिन क्रिस बताता है कि एंड्रयू अपना नाम मुझे लोगन बता कर गया है और पार्टी में भी वो अपने से बड़ी 23 साल औरत के साथ आया था और काफी अजीब बिहेव कर रहा था। इसीलिए रॉड क्रिस से कहता है कि तुम्हें जल्द ही वहां से निकल जाना चाहिए। और बात करते ही करते रॉड का मोबाइल तभी डिस्चार्ज हो जाता है। इधर क्रिस के पास रोज आती है और क्रिस रोज से कहता है कि हमें तुरंत यहां से निकलना होगा और बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब रात में बता दूंगा। ये सुनकर जो रोज होती है वो अपना बैग लाने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। तभी वहां पर क्रिस को एक फोटो एल्बम दिखता है जिसमें रोज का अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ फोटो होता है। ये देखकर क्रिस काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी वहां पर रोज आ जाती है और चलने के लिए रेडी हो जाती है। तभी रोज कहती है कि गाड़ी की चाबी तो घर में ही रह गई है, तो रोज फिर से घर के अंदर चली जाती है। इधर क्रिस को रोज की फैमिली चारों तरफ से घेरने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चाबी रोज के हाथों में होती है। क्रिस उसे चाबी मांगता है लेकिन वो उसे चाबियां नहीं देती है और इस बात पर क्रिस रोज पर बहुत चिल्लाता है। और इससे यहाँ पर एक बात और साफ हो जाती है कि अपनी पूरी फैमिली के साथ रोज भी मिली हुई होती है। तभी मिसी कप और चम्मच से क्रिस को हिप्नोटाइज कर देती है और क्रिस फिर से अंधेरी दुनिया में चला जाता है। अब अगले सीन में हम रॉड को देखते हैं जो क्रिस को लगातार कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता है। इसके बाद रॉड इंटरनेट पर एंड्रयू के बारे में सर्च करता है जिससे मालूम पड़ता है कि एंड्रयू काफी समय से गायब है। अब अगले सीन में हम क्रिस को वापस से देखते हैं जो कि एक चेयर पर बंधा हुआ होता है। उसके सामने टीवी पर एक वीडियो प्ले हो रहा होता है जिसमें डीन के पिता क्रिस को रूम में लगे हिरन को देखने को बोलते हैं। जैसे ही क्रिस हिरन को देखता है टीवी में कप और चम्मच की आवाज आने लगती है और क्रिस यहां पर वापस से बेहोश हो जाता है। इधर रॉड पुलिस के पास जाता है और सारी बातें बता देता है लेकिन पुलिस को उसकी बात मजाक लगने लगती है। इसीलिए रॉड घर वापस आकर फिर से क्रिस को कॉल लगाता है और इस बार फोन लग जाता है और फोन यहाँ पर रोज रिसीव करती है। रोज बताती है कि क्रिस यहाँ से 2 दिन पहले ही जा चुका है, उसकी मुझसे लड़ाई हो गई थी और वो गुस्से में अपना फोन यहीं पर भूल गया है। अब ये सुनकर रॉड को अजीब तो लगता है, इसीलिए वो कॉल को तुरंत रिकॉर्ड करने लगता है और तभी रोज उसे कहती है कि हो सकता है कि तुमने फोन इसीलिए किया हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। अब ये सुनकर रॉड काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर क्रिस को जिम बताता है कि हम तुम्हारी बॉडी का ऑपरेशन करेंगे जिसमें तुम्हारे ब्रेन को निकाल करके उसमें दूसरा ब्रेन लगाएंगे जिससे कि तुम हमेशा के लिए अंधेरी दुनिया में चले जाओगे। ये सुनकर क्रिस पूरी तरह से टूट जाता है और क्रिस को फिर से हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जब जेरेमी क्रिस को ऑपरेशन करने के लिए उसे लेकर जा रहा होता है तभी चालाकी से क्रिस जेरेमी को मार देता है और लास्ट टाइम क्रिस हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं था, उसने अपने कानों में एक्चुअली में रुई डाल ली होती है। अब क्रिस हिरन का पुतला लेकर वहां से निकल जाता है।
वो तुरंत डीन के पास पहुंचता है और उसी पुतले से उसे मार गिराता है। इसके बाद तुरंत वो मिसी के पास पहुंचता है जहां पर वो कप और चम्मच से हिप्नोटाइज कर रही होती है। इसीलिए क्रिस सबसे पहले उसके कप और चम्मच को ही गिरा देता है और मिसी को भी मारने लगता है। मिसी चम्मच से क्रिस पर हमला करती है लेकिन क्रिस पर इसका कोई असर नहीं होता है और बदले में तभी क्रिस उसी चम्मच से मिसी को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। जल्दबाजी में तभी जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो गेट पर उसे जेरेमी मिल जाता है जो कि सिर्फ उस वक्त बेहोश हुआ होता है, मरा नहीं होता है। और दोनों में यहाँ पर हाथापाई होने लगती है। तभी क्रिस गेट का हैंडल निकाल कर उसके सिर पर अटैक कर देता है और क्रिस जेरेमी को भी बड़ी बेरहमी से यहाँ पर मार डालता है। इसके बाद वो जल्दी से उसकी जेब से गाड़ी की चाबियां निकालता है और क्रिस गाड़ी निकाल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने जॉर्गिन आ जाती है और गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और यहाँ पर उसकी भी मौत हो जाती है। तभी क्रिस को अपनी मॉम की याद आने लगती है, इसीलिए वो जॉर्गिना को गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि रोज की एक्चुअली में ग्रैंड मदर ने जॉर्गिना पर हिप्नोटाइज करके रखा होता है, यानी कि जॉर्गिना का बहुत पहले ही ट्रांसप्लांट हो चुका होता है और वो झटके में तभी होश में आती है और क्रिस पर हमला करने लगती है जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फाइनली यहाँ पर जॉर्गिना मर जाती है और क्रिस भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। क्रिस जैसे ही बाहर आता है तो रोज उस पर गन फायरिंग करती है और तभी वहां पर वॉचमैन आकर क्रिस पर अटैक कर देता है। लेकिन क्रिस अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके वॉल्टर को ठीक कर लेता है। वॉल्टर जल्दी से रोज से उसकी गन ले लेता है और पहले वो रोज को शूट करता है और उसके बाद खुद को गोली मार लेता है। लेकिन यहाँ पर रोज पूरी तरह से नहीं मरी होती है, इसीलिए वो धीरे धीरे गन की तरफ बढ़ी रही होती है क्रिस को मारने के लिए। और तभी क्रिस वहां पर पहुंच कर रोज का गला दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर रोज उससे कहती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। ये सुनकर क्रिस रोज को पूरी तरह से नहीं मारता है और उसे छोड़ देता है। और तभी वहां पर उसका दोस्त रॉड गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। क्रिस ही गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं कि रोज की डेथ हुई अब पूरी तरह से यहां पर हो जाती है और ये मूवी भी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी मिक्स एंड मैच मूवी और आपको किस कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।